Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Qudratullah. I am Assistant Professor, Department of Surgery, Chulistan University of Veterinary and Animal Sciences, Bahawalpur. Today I will discuss about basic surgical instruments. So let's start from scalpel handle. So there are two types of scalpel handle. This is scalpel handle number 3 and this is scalpel handle number 4. Surgical blades 10, 11, 12, 15 fit for scalpel handle number 3, while surgical blade 22-23 fit for scalpel handle number 4. Now how to hold the scalpel handle? The scalpel handle is held with thumb, middle finger and ring finger, while the index finger is placed on the upper edge to help guide the scalpel for proper incision. The scalpel is held with thumb, middle finger and ring finger, while the index finger is placed on the upper edge to help guide the scalpel for proper incision. It should be noted that scalpel should never be used in stabbing motion. If you want for cosmetic purpose, you may hold the scalpel joint just like pen, so you can make high precision incision. Now I will tell about how to load and unload the blade. आपने ब्लेड को लोड एंड अनलोड कैसे करना है, तो ये ध्यान में रखना है कि उसके लिए आपने लोड करने के लिए यहां पे आपने ब्लेड को पकड़ना है और कोशिश करना है जहां पे इसमें जो इस ब्लेड के ऊपर नंबर लिखा होता है उसको ऊपर रखना है, और इसी तरह यहां पे जो हैंडल स्केल्पल हैंड होगा उसको भी आपने क्या करना है, ऊपर रखना है। तो उसको लोड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल ये दिस इज लोड, ये आपने क्या किया, उसको लोड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अनलोड करूं तो आपने सेंटर से यहां से आपने पकड़ना है, निडल बॉर्डर से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के और बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो दिस इज अनलोड। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द निडल होल्डर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ निडल होल्डर। This is small needle holder and this one is large needle holder. The jaws of the needle holder showing the serration. The jaws of the needle holder showing the serrations, which are cross-hatched for maximum grip on the needle. यानी क्या है कि needle holder इसमें आपको ये cross line नजर आते हैं, वो इसलिए ताकि आप जब नीडल को पकड़ते हैं तो उसको नीडल जो ना वो मजबूती से पकड़ लेते हैं, और नीडल जो ना वो आप जब सुचर करते हैं तो नीडल जो ना वो निकलती नहीं या हिलती नहीं, ताकि वो उसको प्रॉपर ग्रेप करने के लिए, नीडल को प्रॉपर ग्रेप करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेरेशन की हुई है, ठीक है, क्रॉस। तो ये अब कुछ नीडल होल्डर ऐसे भी होते हैं कि इसके जो ना नीडल होल्डर भी होते हैं और साथ साथ यहाँ पे जो ना वो सीजर भी होते हैं, और ये सीजर जो ना वो स्विचों को काटने के लिए, और ये जो नीडल होल्डर है यहाँ पे वो नीडल को स्विचने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट नीडल होल्डर। अब हम डिस्कस करते हैं थंब फोरसेप। थंब फोरसेप, ये थंब फोरसेप आपको कैसे पकड़ना है, जस्ट लाइक दिस वन, यानी आपने इस तरह, ठीक है। और ये कब होता है, यूजिंग जब आप स्विचिंग करते हैं नीडल होल्डर्स के जरिए से, तो यहाँ पे आपको जो ना वो थंब फोरसेप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, टिशू को पकड़ने के लिए। आप जब आप स्विचिंग करते हैं उसमें भी आपके थंब फोरसेप की ज़रूरत होती है। इसके बाद आर्टरी फोरसेप जो ना वो कुछ लार्ज साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल आर्टरी फोरसेप जिसको मॉस्किटो फोरसेप कहते हैं। तो इसमें अगर आप जो आर्टरी फोरसेप से उसको हम हीमोस्टेट भी कहते हैं, और ये इसकी जो बीक होगी वो लॉन्ग होगी, जो नीडल होल्डर की बीक होगी वो छोटी सी होगी, कम होगी।
ठीक है। दूसरी बात ये ना कि इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्राइएशन होते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइएशन होते हैं और इसमें लॉकिंग रैचेट होता है। ये देखें, ये दिस इज लॉकिंग रैचेट, ठीक है, ये लॉकिंग रैचेट होते हैं और इसमें फिंगर रिंग और कुछ जो आर्टिफोर्सेप होते हैं वो स्ट्रेट आते हैं और कुछ ना वो कर्व्ड आते हैं। ओके, यूजेस क्या है इसके, किसके पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ये क्लैंपिंग, ब्लड वेन को जब आप सर्जरी करती हो, ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए, या आप एब्सेस को ड्रेन एब्सेस के लिए, या आप जो निक्रोटिक टिश्यूज होते हैं उसको पकड़ने के लिए, आप उसको ग्रेप्स करने के लिए आप जो है वो आर्टिफोर्सेप इस्तेमाल करते हैं। ये जो मॉस्किटो फोर्सेप से ये स्मॉल आर्टिफोर्सेप, ये स्मॉल वेसल्स को ब्लॉक करने के लिए और या आप प्लास्टिक सर्जरी में उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो है ना वो सीजर, तो सीजर भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ जो है वो सीजर शार्प शार्प सीजर होते हैं, जैसे ये शार्प शार्प सीजर है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो ब्लंट ब्लंट सीजर टाइप होते हैं, इन्हें दोनों ब्लंट हैं, इनका जब देख लें ना एजेस ये सारे ब्लंट हैं, तो कुछ ब्लंट शार्प भी होते हैं। अब ये ना कि सीजर को आपने कैसे पकड़ना, तो सीजर को आपने ये जो थंब है, थंब और ये जो रिंग फिंगर है, ठीक है, थंब और ये रिंग फिंगर को आपने इंसर्ट कर देना है रिंग्स के अंदर, और जो इंडेक्स फिंगर है और ये जो मिडल फिंगर है उससे आप क्या कर सकते हैं वो आप ऊपर रखेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये जो ना वो क्या है, ये बेस्ट प्रोसीजर से सीजर पकड़ने का, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन पॉम्प डाइसेक्टिंग सीजर है, ये कॉमनली तौर पे हम डाइसेक्टिंग और ये कटिंग के लिए, हम टिश्यू कटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये सुचर थे, ठीक है, एब्जॉर्बेबल सुचर, और दूसरे जो ना वो नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं जो आप इंटरनल मसला आपने प्रॉट में की हुई है, आपने उसको अंदर जो स्टिचेस करनी होती है तो उसके लिए आपने एब्जॉर्बेबल सुचर, और बॉडी जो है खुद ही 35 या 40 दिन के बाद खुद ही वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो बाकी नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं जैसे सिल्क वगैरह, ठीक है, तो ये जो ना वो आपको 7-8 दिन के बाद खुद काटना पड़ता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ साइज होते हैं, यानी ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 10, 20, 30 और आगे 1, 2, 3। अगर ये आप 1, 2, 3 आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका डायमीटर बढ़ता है, और जब ये 0 से नीचे आएंगे यानी 10, 20, 30 तो इसमें डायमीटर जो ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ना वो एब्जॉर्बेबल और दूसरे जो ना नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचेस होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास जो ना वो किनोदा गेज होते हैं, कुछ किनोदा यानी वो 14 से स्टार्ट होते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 26 और 28 तक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जितना गेज कम होगा, मसलन 14 तो उसका डायमीटर इतना बड़ा होगा इनका जो, और जितना ये बढ़ता जाएगा तो ये नीडल की जो साइज डायमीटर होगी वो क्या होगी, गेज कम होती जाएगी। इसके अलावा जब आप सर्जरी करते हैं, अगर आपने लोकल एनेस्थीसिया तो इसके लिए हम लिग्नोकेन, लिडोकेन या ये जो होता है ना लिडोजेक, ये इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिर हम जो ना वो केटामिन इस्तेमाल करते हैं, और ये जो ना वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे, सर्जिकल अच्छे सर्जरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।